जय जीरेन, आज हम खड़े हैं उदयनगर इंदौर स्थित जैन मंदिर पर। एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण 2012 में प्रारंभ हुआ था और जिसके निर्माण में 16 माह का पूर्ण वर्ष लगा, और एक इस प्रकार का मंदिर जहां पर कहा जाता है कि रात में नित्य भगवान की लय होती हैं और अंदर भगवान की मूर्तियां किस रूप में विराजित हैं। एक भव्य प्रतिमाओं में आदिनाथ भगवान विराजित हैं। हम आज दर्शन करने चल रहे हैं अंदर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। आइए प्रवेश करते हैं जैन मंदिर में और जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी, इसकी स्थापना से लेके आज तक का यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उसके बारे में, और यहाँ के संचालक इस मंदिर में इनकी खास भूमिका रही है, संतोष जैन साहब लवकुश स्कूल के संचालक, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं। श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, जिसकी एक अपनी अलग अनोखी कहानी है। एक बहुत ही भव्य रूप में ये मंदिर अपने आप में अपनी पहचान रखता है, और इस मंदिर की संरचना, इस मंदिर की जो स्थापित मूर्तियां हैं उनका दृश्य, उनका दर्शन अपने आप में बहुत अलौकिक है। आइए, हम अब दर्शन कर रहे हैं भगवान प्रभु की भव्य प्रतिमा की। चंद्रभू भगवान की यह मूर्त 81 इंच हाइट की है और 14 इंच का कमल इस पर विराजित है। यह मूर्त विशेष ऑर्डर से जयपुर से बनवाई गई थी। मंदिर की मूर्त इतनी भव्य है और इस प्रकार की चेहरे की जो भव्यता है, सौम्यता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेती है, और इस मंदिर में आने के बाद भक्तों को असीम शांति प्राप्त होती है और उनकी यहाँ आकर के सारी मुरादें पूरी होती हैं। यह मंदिर 3 मंजिला बना हुआ है, जिस पर हर फ्लोर पर एक अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ विराजित हैं। हम ऊपर के दर्शन भी करेंगे और साथ में ही यहाँ के जो मंदिर के स्थापना में इतना मुख्य भूमिका जिनकी रही है संतोष जैन साहब, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की स्थापना से लेकर के आज तक जो जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और किन किन महाराज साहब का इस मंदिर के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आशीर्वाद रहा है, हम चर्चा भी करेंगे और इस मंदिर में और जो इनकी प्राचीनता है उसके बारे में जानने का पूर्ण प्रयास करते हुए आप भक्तों के सामने इस मंदिर की विशेषता भव्यता लाने का पूरा प्रयास होगा। साथ में मौजूद हैं संतोष जैन साहब, जिनका इंदौर में ही मंगल नगर में लवकुश विद्या विहार का स्कूल है, आप संचालक हैं उसके। इस मंदिर के बारे में पूरी बातचीत, प्रतिमाओं की जानकारी हम प्राप्त करेंगे जैन साहब से। चलिए हम चलते हैं द्वितीय मंजिल पर, जहाँ भगवान 1008 श्री अभिनंदन नाथ स्वामी विराजमान हैं, साथ में 10 तीर्थंकर की प्रतिमाएं और हैं। प्रभु की प्रतिमा की जो हाइट है वो 71 इंच हाइट है। इन मंदिर के दरवाजों पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीकों से नक्काशी की गई है और प्योर सागवान की लकड़ी का इसे इस्तेमाल है, और कमल के फूल, गुलाब के फूल, स्वस्तिक का बहुत ही सुंदर इसमें कलाकृतियों का हमें दर्शन करने को मिलता है। जय जिनेन्द्र, यहाँ पर भगवान श्री 1008 अभिनंदन स्वामी विराजमान है। भगवान की मूर्ति जो है वो 71 इंच ऊंची है और 13 इंच का इसमें कमल है। 8 प्रतिमाएं इस मंजिल पर और विराजमान हैं। वेदी पर सोने का कार्य किया गया है, शुद्ध सोने का, और मूर्ति हमने जयपुर में बनवाई थी, जोधपुर का पत्थर है ये। जब ये पत्थर लिया गया था तब ये पीले रंग का था, परंतु आज भगवान की मूर्ति विराजमान होकर ये रंग अभी इस पर आ गया है। मूलतः पत्थर पीले कलर का था और
इस मंजिल पर अभी 8 मूर्तियां और विराजमान हैं। गर्भगृह जो है ये पूरा 13 फिट 3 इंच का है, ऐसे में भी 13 फिट 3 इंच और ऐसे में भी 13 फिट 3 इंच। सब एक सवाल उठता है कि हर मंदिर को बनाने के साथ में एक कोई कहानी रहती है, एक भावना उत्पन्न होती है, तो आपके अंदर इस जैन मंदिर के निर्माण को लेकर के क्या भाव जागृत हुए कि आपने इस मंदिर को निर्माण के लिए अपना एक पूरा प्रयास किया? सर मैंने तो वैसे तो कुछ भी नहीं किया, निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर की जो इच्छा है, जहाँ जिनको विराजमान होना है ईश्वर को, वो वहीं विराजमान होते हैं। एक दीदी थी यहाँ पर, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी और चंद्रलेखा दीदी, जब हम यहाँ पर रहने आए 2007 में, तो जब भी उनके घर के सामने से निकलते थे तो हमेशा ये बोलती थी, भैया एक बड़ा सा मंदिर बनवाएं। और हम सोचते थे कि दीदी मुझसे क्या मालूम क्यों बोलती है, लेकिन वो हमेशा यही बोलती थी जब भी मिलती थी कि भैया एक बड़ा सा मंदिर बनवाइएगा। सुख शांति नगर पास में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, थोड़ा छोटा है, जगह कम है, तो उसमें जैन सर धर्मी बन नहीं पाते, थोड़ी सी जगह कम पड़ती है। भावनाएँ अलीभूत हुई और नवंबर 2011 में कुछ सज्जन हमारे पास आए, उनका सर बड़ा सा मंदिर बनाना है, दूसरा मंदिर बनवाइएगा, और उनकी भावनाएं धीरे धीरे करके फलीभूत हुई। जनवरी 2012 में इस मंदिर के लिए 2 प्लॉट खरीदे गए और 28 जनवरी 2012 को पेमेंट किया गया एक प्लॉट का, 10 फरवरी 2012 को दूसरे प्लॉट का पेमेंट किया गया जी, और दोनों प्लॉट हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि इसकी रजिस्ट्री जो है 31 मार्च 2012 को रात को 9:30 बजे हुई, और तभी से इसके अतिशय होना प्रारंभ हो गए। 31 मार्च 2012 को जो रजिस्ट्रार थे श्री आर के शर्मा जी, आर के गुप्ता जी, जब रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो उन्होंने खुद दान दिया, बोले मंदिर के लिए हमारा दान दे। बहुत बढ़िया। और 24 जून 2012 को मंदिर का शिलान्यास किया। इसमें मुख्य तौर पर कौन से महाराज साहब का विशेष भूमिका रही है प्रभु की स्थापना, भूमि पूजन और निर्माण में? वास्तव में देखा जाए तो इस जमीन का अतिशय कुछ अलग ही है। यहाँ पर इतने मुनिराज और माताजी विराजमान हो चुके हैं, जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जमीन खरीदी, तब से कई मुनिराज के चरण इस जमीन पर पड़ चुके हैं मंदिर के निर्माण के दौरान ही। लेकिन सबसे पहले जो शिलान्यास हुआ वो आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, और फिर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से 2 मुनि महाराज जी, निर्वेक सागर और प्रशांत सागर जी, जब निर्माण का कार्य प्रारंभ ही हुआ था तब वो दोनों यहाँ पर विराजमान हुए। यहाँ पंचकल्याण का भी कार्यक्रम एक संपन्न हो चुका है। हाँ, यहाँ पर समय सागर जी महाराज, पंच ऋषिराज, वो संख्या भी काफी ज्यादा बहुत याद में थी, 5 महाराज जी और 29 माता जी, चतुर्विक संख्या, आचार्य श्री का बड़ी कृपा रही। क्या संख्या रही होगी सब दर्शकों की, यहाँ पे दर्शनार्थियों की और भक्तों की, पंचकल्याण के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में थे, और शहर के बाहर के भी इसमें काफी भक्तजन थे सुनने में आया था। बहुत भक्त थे। अनुमानित मुझे सुनने में आया था कि करीबन इस मंदिर के निर्माण में 1.5 करोड़ के आसपास का खर्च अनुमानित तौर पर लगा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे ऊपर भी हो गया जी। ऊपर कौन से भगवान विराजित है तीसरे माले पर? इसके तीसरे माले पर भगवान महावीर स्वामी, भगवान मुनि सुब्रतनाथ और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं मूल विराजमान है, पाचार की, इसके अलावा 6 प्रतिमाएं और हैं। दर्शन करते हैं ऊपर तीसरे माले पर, विराजित हैं, उनके दर्शन करेंगे और वहीं और चर्चाएं भी जैन साहब से होंगी। साथ में हमारा साथ ले चुके संतोष जैन साहब, जिनका बंगाली चौराहे पर ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, राकेश जैन साहब, तो इनसे भी काफी कुछ जानेंगे, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप और क्या यहाँ की महिमा है। चलते हैं ऊपर मंजिल पर। अब हम चल रहे हैं तृतीय मंजिल, जहाँ पर प्रभु श्री 1008 महावीर स्वामी, प्रभु श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ स्वामी और प्रभु श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, साथ में आदिनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान,
अजितनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर स्वामी की कुल मिलाकर 9 प्रतिमाएं हैं और उन प्रतिमाओं के दर्शन करने हम सभी लोग यहाँ पर तृतीय मंजिल पर चल रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी विराजमान हैं, जो सफ़ेद कलर की संगमरमर की वियतनाम के पत्थर की प्रतिमा है। यह 31 इंच ऊंची है और 5 इंच का इसका कमल है। और 2 प्रतिमाएं जो हैं वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान और श्री 1008 पार्शनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं, जिनकी ऊंचाई है 25-25 इंच की, 5 इंच के दोनों के कमल हैं। फिर 1008 श्री आदिनाथ स्वामी, अजितनाथ स्वामी, पद्म प्रभु स्वामी, शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान की प्रतिमाएं हैं। ये जो गोल्ड वर्क किया हुआ है सर, ये पॉलिश गोल्ड का ही है? नहीं, ये पूरा 24 कैरेट का गोल्ड है, जिसकी जो है पहले हम लोगों ने यहाँ से पूरे पत्ते बनवाए और फिर उस गोल्ड से पूरा जो है जितने भी डिजाइन है, जितना भी येलो कलर का है, ये ओरिजिनल 24 कैरेट का गोल्ड है। यहाँ जिन साहब इस मंदिर के साथ में एक सुनने में आता है कुछ आपने हॉस्टल की व्यवस्था भी करी हुई है कन्याओं के लिए, हाँ। वो क्या व्यवस्था है उसे कुछ बता पाए आप? आचार्य भगवान श्री 1008 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर वो बहने जो जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है जी, अपने घर का त्याग कर लिया है, ऐसी बहनों के द्वारा एक स्कूल संचालित किया जाता है, जो कि बच्चों को संस्कारित करने के साथ साथ धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। और अधिकांश बच्चों को उनमें से फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया जाता है। जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं बहनों के द्वारा, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, साथ में लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वो पास में ही जो बिल्डिंग है वो 4 मंजिल की बिल्डिंग 5 महीने में बनके तैयार हो गई। क्या बात है, ये सब उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के चमत्कार। मतलब ये 2 प्लॉट जो मंदिर के लिए आपने परचेस किए थे वो हॉस्टल का प्रेमिसेस मंदिर से अलग प्लॉट पर निर्मित है? हाँ, वो अलग से है, मंदिर के प्लॉट अलग है, हॉस्टल का प्रमाइसिस जो है वो अलग है। उन बहनों की भोजन की व्यवस्था भी मंदिर ट्रस्ट ही देखता है? मंदिर ट्रस्ट नहीं, वो सब बहनों के द्वारा ही संचालित होता है और बाहर से जो डोनेशन आता है और जो फीस कलेक्ट होती है बहनें उसी में से वो व्यवस्थाएं करती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि बहनें कुछ भी शुल्क नहीं लेती है पढ़ाने का, निशुल्क है वो, और करती है सिर्फ भोजन उनका होता है, उसमें भोजन उनका होता है सिर्फ, हाँ। मतलब बनाने की व्यवस्था वगैरह सब हॉस्टल के अंदर ही आपने कर रखी है? सब वहीं पे है, पूरी पूरी व्यवस्था है। 3 प्लॉटों पे हॉस्टल है, पास में मंदिर के पास अभी आज की डेट में 8 प्लॉट हैं, जो संत निवास के लिए भी अभी 2 प्लॉट प्रपोजल है। अच्छा, हाँ, अभी कुछ दिन बाद संत निवास का निर्माण होने जा रही है और अभी माताजी पुण्यमती माताजी आई थी, उन्होंने इस संत निवास का शिलान्यास कराया है और भविष्य में एक विशाल संत निवास का निर्माण हम लोग करेंगे। तो इस मंदिर में कई सारी व्यवस्थाएं जो कि बहुत कम मंदिर में देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर बहनों के लिए रहने की व्यवस्था निःशुल्क, जो बच्चे निर्धन हैं शिक्षा का शुल्क अदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए निःशुल्क संस्कार प्राप्त करने की व्यवस्था इस मंदिर के द्वारा दी जा रही है। तीनों मंजिल पर जो वेदियाँ हैं, प्रथम मंजिल पर भगवान श्री चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है, जो 81 इंच ऊंची है और 12 इंच का उसमें कमल है, साथ में अन्य प्रतिमाएं भी वेदी पर विराजमान हैं। नीचे की वेदी पर 13 प्रतिमाएं विराजमान हैं, द्वितीय मंजिल पर 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं और तृतीय मंजिल पर भी 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस पूरे मंदिर में 24 तीर्थंकर भगवान की पूरी प्रतिमाएं विराजमान है, पूरी 24 ही है। भगवान का अभिषेक कुएं के जल से किया जाता है, इसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पर कुआं का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के निर्माण में हमारे बड़े भाई श्री श्रीनिवास जैन का अभूतपूर्व सहयोग है, वो उस टाइम पर मंदिर के कोषाध्यक्ष थे, हालांकि पूरी समाज और समस्त ट्रस्ट ने इसमें भरपूर सहयोग प्रदान किया। मतलब ट्रस्ट जब बना 25 मार्च 2012 को, उसके बाद समस्त 21 ट्रस्टी
इस मंदिर के निर्माण में तन मन और धन से हमेशा समर्पित रहे। और पंचकल्याणक में स्वधर्मेंद्र का जो सौभाग्य मिला वो हमारे आज वर्तमान में अध्यक्ष श्री ब्रजेश जैन दीपा जैन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे शुभ कार्य किए। हमारे मंदिर के शिरोमणि अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक श्री संदीप जी जैन को भी इस मंदिर के में जो चंद्रब्रू भगवान की मूर्ति है उसको विराजमान करने का और पूरी वेदी को बनवाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा 20 तीर्थंकर भगवान की मोक्ष स्थली है संवेद शिखर जी, हम लोगों की आन बान और शान है जैन समाज की। जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए 4 तीर्थ है, उसी तरीके से हमारा एक ही तीर्थ ऐसा है जहाँ हम सभी जैन बंधु चाहे दिगंबर हों चाहे श्वेतंबर हों चाहे 13 पंथी हों या 20 पंथी हो कोई भी हो, सबकी श्रद्धा जो है वो संवेद शिखर जी के लिए है। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, 53 किलोमीटर की परिधि है उस तीर्थ क्षेत्र के पहाड़ की और झारखंड में सबसे ऊंचा पर्वत भी है और हम लोगों की श्रद्धा का पूर्ण केंद्र है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं और सरकार से क्या इस मंदिर की रक्षा के लिए आप निवेदन करना चाहेंगे? झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है बिना हम लोगों की सहमति के। हम लोगों को पता ही नहीं, जैन लोगों को पता नहीं अंडरग्राउंड उसको। और फिर उन्होंने वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा और उनके भेजने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए परमिशन दे दी। हम लोगों का विरोध ये है कि हमारे तीर्थ क्षेत्र को शुद्ध साफ रखा जाए और वो जैनों का है, जैनों के लिए ही दिया जाए और किसी दूसरे के लिए। देखिए, जैन समाज में मांस मदिरा इस प्रकार का पूर्ण तरह से प्रतिबंध होता है, इसका सेवन हम लोग नहीं करते हैं। वह लहसुन प्याज का भी जैन समाज इस्तेमाल नहीं करता है। अगर उस क्षेत्र को सार्वजनिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है हम समझ सकते हैं उस तीर्थ की आने वाले समय में क्या एक जो उसकी पहचान होगी और हर प्रकार सेवन वहाँ सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस आदेश को पुनः वापस लिया जाए और जैन समाज की मान प्रतिष्ठा और आस्था को बचाने में जनता का और जैन समाज का सरकार सही प्रदान करे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संवेद शिखर जी के लिए विरोध करती हूँ क्योंकि हमारा तीर्थ है और हम सभी तन मन धन से उसकी वंदना करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी पर्यटक स्थल ना बनाया जाए क्योंकि वहाँ अगर ऐसा होता है तो सारी अशुद्धियाँ वहाँ फैलेंगी। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोगों की भावनाओं को आहत ना करें। धन्यवाद। मंदिर के पास में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यह वही छात्रावास है जहाँ पर कि जो ब्रह्मचारी व्रत ले चुकी हैं उन छात्राओं का यहाँ पर निवास है और यहीं से ही शिक्षा छात्रों को दी जाती है। आज हमने इंदौर स्थित उदयनगर जैन मंदिर को आप लोगों के समक्ष पूरी जानकारी के साथ में दिखाने का प्रयास किया है। आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, अभी तुरंत मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे मंदिरों की जानकारी आप लोग इस सेवा में ला सकूं। आप लोगों का एक क्लिक, एक बटन मेरे प्रोत्साहन को और मेरी हिम्मत को और मेरे कार्य को प्रोत्साहित करेगा और आपका आशीर्वाद समझ करके मैं इसे ग्रहण करूँगा। अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सादर जय जिनेंद्र।